इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख लिए थे, ठीक है। कुछ सिग्नल्स के हमने लाप्लास, जो मेन सिग्नल्स होते हैं उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख लिए थे, तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, आपका किसका किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा था, आपका वन का लाप्लास, ई टू द पावर एटी, ई टू द पावर माइनस एटी का लाप्लास, ठीक है, कॉस एटी का, साइन एटी का, और हाइपरबॉलिक साइन और कॉस का देखा था, राइट। तो उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कैसे, मतलब कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। इसका क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द लाप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा का, हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमने जो कॉस एटी का सिर्फ लाप्लास पढ़ा था, राइट, लेकिन कॉस एटी प्लस समथिंग का लाप्लास हमने नहीं देखा था, ठीक है। कॉस एटी का लाप्लास हमने क्या देखा था, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। लेकिन हमने मान लो कि अगर हमें कुछ देता है ऐसा कॉस एटी प्लस अल्फा, लेकिन हमें इसका लाप्लास नहीं पता होता, तो इसका लाप्लास हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपली क्या करना है आपको, कॉस ए प्लस बी को इस फॉर्मूले पे आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा आपने, मतलब 11, 12 या फिर 10th में ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े होंगे, फॉर्मूलेज पढ़े होंगे। क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी क्या होता है आपका, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो आपका क्या है यहाँ पे, मतलब किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, कॉस ओमेगा ओमेगा टी प्लस अल्फा का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। तो यहां पे, यहां से आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा क्या है, कॉस ए प्लस बी, ठीक है, राइट। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहां से ओमेगा टी, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर क्या करोगे, फॉर्मूले पे ब्रेक कर दोगे, तो क्या है यहां पे, कॉस ए कॉस बी, तो ए की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी, तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों साइड आप क्या करोगे, लाप्लास ले लोगे, क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा का क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा अल्फा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा। अगर आपको ऐसा दे रखा है, मान लो कि हमें किसी फंक्शन का लाप्लास निकालना है, ई टू पावर ए टी प्लस वन का लाप्लास निकालना है, तो इसे आप क्या कर सकते हो, आप इसे अलग अलग लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, लाप्लास ऑफ e टू पावर ए टी प्लस लाप्लास ऑफ वन, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग लाप्लास निकाल के आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करोगे आप, अलग अलग निकाल के दोनों का आप सम कर दोगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। अब देखो यहां पे आपका क्या है, लाप्लास इसे अलग अलग हमने लिख लिया, लाप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा माइनस लाप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, जब हम किसी चीज का लाप्लास लेते हैं तो हम क्या करते हैं, टाइम डोमेन को हम किसमें चेंज करते हैं, एस डोमेन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो आपका देखो यहां पे क्या है, कॉस अल्फा है, इसके साथ टी नहीं है, ठीक है, दैट्स मीन ये आपका क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, तो आप कॉन्स्टेंट को क्या करोगे, बाहर ले लोगे। इस तरह से मैंने यहां पे अल्फा को भी क्या किया, बाहर ले लिया, तो यहां पे क्या बचा आपका, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का आपको लाप्लास पता है क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहां से साइन ओमेगा का पता है आपको, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपको साइन ए टी का पता क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे, तो यहां से आपका क्या बन गया, कॉस अल्फा एस इंटू कॉस अल्फा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू साइन अल्फा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों का एलसीएम ले लोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के, इस टाइप के जितने क्वेश्चंस होंगे आपको क्या करना होगा, पहले इस पर्टिकुलर जो फॉर्मूला होता है उसमें ब्रेक करके उसके बाद आपको सिंपली लाप्लास ले लेना होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, आपका कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस पे हम क्या देखेंगे, आपके जो जो भी जो जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसके बेसिस पे हम उसके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है।